पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा पर शक करने की कई वजह हैं। देखिए, जांच एजेंसियों का यह दावा है कि सीमा ने अब तक की पूछताछ में जो भी जानकारी दिया है वो जांच में सही साबित नहीं हुई है। सीमा पर फर्जी और गलत जानकारी देने का आरोप लग रहा है। और क्या क्या आरोप है सीमा के ऊपर वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि सीमा के पास जो सर्टिफिकेट है उसमें उम्र अलग अलग है। 3 सर्टिफिकेट उसके पास है, तीनों में उम्र अलग अलग है। जो आम लोगों ने सवाल उठाए और जिसके बाद लगा जांच एजेंसियों को कि पूछताछ होनी चाहिए, उसमें ये सब भी है। और जो अगला है, मोबाइल का डेटा डिलीट करने की नौबत क्यों आई है, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक फोन सीमा के पास से मिला है जो कि टूटा हुआ है। अब टूटा हुआ फोन सीमा अपने पास क्यों रखे हुई थी, ये भी बड़ा सवाल है। कई पासपोर्ट का होना, कई मोबाइल फोन का होना और पाकिस्तानी सेना से कनेक्शन का शक। पाकिस्तानी सेना में इसके परिवार के 2 सदस्य जिसमें चाचा और भाई का नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल। और इसके अलावा आपको बताएं कि जो नेपाल रूट है उसकी गलत जानकारी दी गई, क्योंकि अभी तक सचिन और सीमा ये कह रहे थे कि नेपाल के रास्ते वो भारत आए, लेकिन जिस दिन की बात उन्होंने कही थी उस दिन का सीसीटीवी फुटेज जब निकलवाया गया तो पता चला उस दिन तो दोनों वहां पर थे ही नहीं। सीमा और सचिन जिस तरीके से दावे कर रहे हैं उनके दावे फैक्चुअली मैच नहीं हो रहे हैं, और जब ये दावे फैक्चुअली मैच नहीं होते हैं तभी शक गहराया और शक के बाद जो जांच है वो शुरू हो गई। जांच और ज्यादा बढ़ती आगे चली गई। जब वो पूरा गांव में हम यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सीमा हैदर, आप यहाँ आई हैं शादी करके पाकिस्तान से? आई है। जासूस होना कहा जा रहा है कि जासूस हो सकती है? होगी तो जाएंगी जेल, जाएंगे फिर तो कोई बख्शा ही नहीं जाएगा। देश से बड़ी थोड़ा ही है फिर कोई सीमा हैदर। देश बड़ा है हमारा, अगर देश को नुकसान होने लगा कल क्या होगा? तो लोग तो कह रहे हैं कि दुश्मन देश से आई है। दुश्मन देश से आई है ही? हाँ। और का कोई हमारा यारी है? पाकिस्तान से दुश्मन ही है हमारी। हाँ। अगर मान लीजिए सच में प्यार हुआ तो? भाई सच में है तो रहा हमारी सरकार, फिर तो कहेंगे सरकार से फिर तुम्हारे द्वारा के रहे यहाँ। हाँ। बहू लगेंगी आपकी? और क्या लगेगी, बहू ही लगेगा। हाँ। और अगर जासूस हुई तो सजा मिलनी चाहिए? फिर तो सजा बिल्कुल पक्का। तो देख रहे हैं आप यहाँ जो गांव वाले हैं उन्हें इस बात को लेकर जरा सी भी सिंपथी नहीं है कि वो प्यार में है या किसी के प्यार में पड़ के आई है हमारी बहू है। उनका ये कहना है कि अगर वो सच है तो खुशी खुशी हम बहू बनाएंगे उसे, लेकिन अगर वो गलत है, वो जासूस है, तो उसे कड़ी से कड़ी भारत की सरकार जो है वो सजा दे। लेकिन आपको बताएं, शक जिस तरीके से गहराता जा रहा है, ऐसे में 13 मई वो तारीख बताई गई थी सीमा हैदर की ओर से और सचिन की ओर से कि वो नेपाल के रास्ते यहां पर आए हैं, यानी कि या तो सुनौली से होकर आए होंगे वो या फिर सीतामढ़ी से होकर आए होंगे वो। लेकिन दोनों ही जगहों पर जब सीसीटीवी खंगाले गए वेरी करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि क्या वो वहां पर थे, वहां पर थर्ड नेशन सिटीजन की कोई प्रेजेंस मिली ही नहीं है। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई सचिन और सीमा सच बोल रहे थे या गुमराह करने की एक और बड़ी साजिश थी। रिपोर्ट देखिए जरा, रिपोर्ट दिखा रहे हैं हम आपको लगातार, लेकिन एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी दीपक बिश भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, 13 मई की तारीख का जो दावा किया गया था सचिन सीमा की ओर से वो तो गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल अंकिता, 13 मई को जब उसने ये बताया था कि वो 13 मई को भारत में दाखिल हुई थी और रात को उसने बॉर्डर पार किया था और बस के जरिए वो एक्सप्रेसवे में उतरकर सचिन वहां पर पहले से मौके पर खड़ा था और ऐसे ही, और 13 मई की बात को जो मकान मालिक जहां जिस मकान में सबसे पहले गई थी गिरजेश के, उस मकान मालिक ने भी ये दावा किया है कि 13 मई की सुबह वो यहाँ पहुंची है। लेकिन जो एजेंसियां हैं उनको कोई ऐसा फुटेज नहीं मिल पाया है 13 मई का रास्ते में जहां बॉर्डर पार करी या उस जगह की जो छानबीन की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो उसने डेट बताई है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई छुपाया जाना यहाँ पर जरूरी समझा है। और इसी वजह से सीमा हैदर जो भी सवाल किए जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से वो अपनी मर्जी से सवालों का जवाब दे रही है और बेबाक जवाब उसने पहले भी मीडिया के सामने दिया था और उसके बाद अभी भी एजेंसियों को उसी तरह से जवाब दे रही है। और साथ ही उसने पासपोर्ट कब बनवाए, किसके मार्फत बनवाए, इसकी जानकारी भी अभी तक उसे एजेंसियों को नहीं दे पाई है। और यही वजह है कि उससे सारे फाइनेंशियल जितने उसके अब तक का लेखा जोखा था, चाहे वो सचिन से पैसा लेन देन था या फिर उसने किसी के खाते में जमा करवाए या सचिन के खाते में कहीं से बाहर की रकम आई है, ये भी अब जाँच के लिए ATS की टीमें शुरू हो चुकी है, इसकी जाँच भी की जा रही है। जी
बिल्कुल, और एटीएस इसलिए भी और ज्यादा चौकन्ना हो गई है क्योंकि उसके पास तमाम तरह के फोन पाए गए हैं, कई जनपत्नियां पाई गई हैं, इतने सारे पासपोर्ट्स की उसको क्या जरूरत पड़ गई, जबकि शख्स एक है और जनपत्नियां चार चार हैं। ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर एटीएस का फोकस रहा और इसी को लेकर लगभग दो दिनों में 15 घंटे तक लगातार सचिन और सीमा से पूछताछ की गई। लेकिन जो सीमा की ओर से रटा रटाया जवाब बार बार दिया जा रहा था प्यार मोहब्बत का, वो दरअसल एटीएस और जांच एजेंसियों के गले उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि आज भी हो सकता है कि एटीएस उनसे पूछताछ करे और ये पूछताछ आगे भी बढ़ सकती है। आपको बताया कि लगातार सीमा की ओर से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, वो दावे कितने सही हैं कितने गलत हैं इस बात को लेकर जांच एजेंसियां अपना जो काम है अपनी इन्वेस्टिगेशन है उसे आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन अब जानकारी निकलकर ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है जांच एजेंसियों को नेपाल भी आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाए। पिछले दो दिन एटीएस ऑफिस में बिताए सीमा हैदर के वो 15 घंटे शायद उनकी जिंदगी के सबसे भारी घंटे साबित हुए होंगे, क्योंकि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जिस तरह से सीमा हैदर ने दुनिया के सामने खुद को पेश किया था वो किसी अभिनेता से कम नहीं था। सरहद की सीढ़ियों को लांघकर भारत की जमीन तक पहुंचने में शायद सीमा को उतने सवालों का सामना नहीं करना पड़ा हो जितने इन 15 घंटों में एटीएस अधिकारियों ने उनसे किए। एटीएस सूत्रों का दावा है कि सीमा बेहद ही शातिर दिमाग की है, उससे जितने सवाल किए जा रहे हैं वो उतना ही जवाब दे रही है। भारत आने का मकसद सिर्फ सचिन से मोहब्बत बता रही है और जिंदगी हिंदुस्तान की सरहद में रहकर गुजारने का दावा कर रही है। तीन चार चीजें अहम यहाँ पर जानकारियां मिली है कि सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से और मोबाइल से डेटा डिलीट किए गए थे। सीमा सचिन के अलावा कई और लोगों से संपर्क में थी। सीमा का जो आई कार्ड था वह भी फर्जी था। इसके अलावा सीमा का जो लोकेशन था जो उसने बताया था अपने बयानों को, वह लोकेशन पूरी तरीके से अलग है। सीमा के पाकिस्तान से दुबई जाने, दुबई से नेपाल जाने और फिर नेपाल से भारत के सरहद में घुसने तक के रोड मैप को एटीएस अधिकारी सीमा के मुंह से सुनना चाहते हैं। इसलिए सीमा की जितनी बार एटीएस के सामने हाजिरी लग रही है उतनी बार वही सवाल दोहराए जा रहे हैं और सीमा के दोनों सवालों के बीच असमानता ढूंढी जा रही है। सीमा को लेकर कई सवाल संदेह पैदा करने वाले हैं जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। सवाल, सीमा ने चैट क्यों डिलीट की? सीमा ने सचिन की मोहब्बत में सरहद पार की, भारत के लोगों के साथ घुलमिल जाने के लिए हिंदी सीखी, परिवार के करीब आने के लिए उनकी दिन रात खिदमत की, ये समझ आता है। लेकिन सवाल है क्या आखिर पाकिस्तान से आते ही उसने अपनी चैट क्यों डिलीट कर दी, पुराने मैसेज क्यों डिलीट कर दिए, आखिर उस चैट में ऐसा क्या था जिसे वो सचिन से छिपाना चाहती थी, परिवार को नहीं दिखाना चाहती थी और उस राज को खुद में ही रखना चाहती थी। सवाल, सीमा का दुबई कनेक्शन। भारत आने से पहले सीमा हैदर ने पाकिस्तान से दुबई जाने की बात कही है, ऐसे में एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आखिर सीमा हैदर दुबई में किससे मिली, किसके जरिए नेपाल की सीमा तक पहुंची और किसने उसकी दुबई जैसे बड़े शहर में रहने में मदद की। ऐसे तमाम सवालों को कड़ी बनाकर एटीएस की टीम सच की तह तक जाने की कोशिश कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि सीमा का भारत आने का मकसद सिर्फ सचिन से प्यार है या फिर वो किसी साजिश का हिस्सा है।